हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि टू लर्न। आज आपको मैं लेक्चर नंबर 2 सिखाऊंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं और कैसे उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है, पर मैंने एक एग्जाम्पल नहीं बताया था। सो अब इस लेक्चर में मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। इसमें जो मैंने एरर्स के जो टाइप्स लिए हैं उसमें और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, मुझे जो भी मोस्ट कॉमन लगे वो मैंने डाले हैं। बाकी आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप श्योरली मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मैं सोशल मीडिया अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी और मेरे पहले वाले वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एरर जो मैंने दिया है यहाँ पे है वो ओवर कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि टोटलिंग होता है, ओवर टोटलिंग, ज्यादा टोटलिंग में डाल दिया गलती से। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का एरर हुआ? ओवर कास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग बोथ आर एरर ऑफ कमीशन। मतलब आपने करा तो टोटल पर गलत कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, टाइप हो गया इसका एरर ऑफ कमीशन। और इसका इफेक्ट कैसे करोगे, रिवर्स कैसे करोगे? तो मैंने बताया था ओवर है इसके पास, ज्यादा है, तो जब उसके पास ज्यादा होता है ना तो निकाल के दूसरे को दे दो। तो डेबिट के पास अगर ज्यादा होगा तो निकाल के क्रेडिट को दे दो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट में डाल दो, और अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो डेबिट में डाल दो। ये हो गया ओवरकास्टिंग का। अंडरकास्टिंग मतलब इसके पास कम है, इसके पास 4000 रुपीज कम किया डेबिट में, तो अब इसके पास कम है तो उसको दे दो। कैसे दोगे उसको? डेबिट करके, जो साइन है वही फॉलो करना है। अगर कम है तो डेबिट, है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। ठीक है, ये हो गए एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 1000। 1000 रुपए का मैंने परचेज किया हुआ था जो मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि माल खराब था, पर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। अब मैं कुछ चीज भूल जाती हूँ ना तो उसको अपन एरर ऑफ कमीशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, एरर ऑफ ओमिशन बोल देंगे। तो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। और इसका इफेक्ट क्या होगा? मैं परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज होता है डेबिट साइड, तो उसको रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट साइड, बराबर। अब वो रिकॉर्ड करना भूल गई, तो अब रिकॉर्ड कर लो। अब क्या रिकॉर्ड करोगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट में डाल के। ठीक है, नेक्स्ट, 2000 अंडरकास्ट इन डेबिट प्लस 2000 अंडरकास्ट इन क्रेडिट। आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में 2000 अंडरकास्ट कर दिया, तो अब ये कौन से टाइप का एरर हो गया? ये हो गया कॉम्पेंसेशन एरर। मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे कि भाई मेरा टैली हो गया, मेरा आंसर राइट है, बट जबकि रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अंडर है, अंडरकास्ट है, मतलब इसको देना है, तो 2000 डेबिट में जाएगा, 2000 क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट वन, परचेज इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल असेट अकाउंट 4,40,000। तो मतलब 40,000 का मैंने मेरे गुड्स का परचेज किया था, पर मैंने गलती से उसको फिक्स्ड असेट अकाउंट में डाल दिया, बराबर। अब हम कर क्या रहे? रिवर्स इफेक्ट कर रहे। गलती से किस में चला गया? फिक्स्ड असेट में चला गया। फिक्स्ड असेट का होता है डेबिट बैलेंस। अब मेरे को रिवर्स करना है तो दूसरे को दे दो, डेबिट का है गलती से तो क्रेडिट में दे दो। ठीक है, क्रेडिट होगा 40,000। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसको मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए आपको हेल्प कर सकती थी। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे सकते हो। ओके।